आज हम बनाएंगे आलू गोभी की सब्जी। मैंने एक पतीला लिया है, अब उसमें 2 चम्मच मैदा डाला और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। अब उसमें थोड़ा सा पानी मिला के अच्छे से घोल लें, ज्यादा पानी नहीं डालें। अब इसमें कटा हुआ गोभी डालें, फिर कटा हुआ आलू डालें और आखिरी में कटा हुआ कैप्सिकम डालें और अच्छे से मिक्स करके ढक के साइड में 10 मिनट के लिए रख दें। अब मसालों की तैयारी करते हैं। तो ग्राइंड करने के लिए पहले लहसुन, फिर अदरक, टमाटर और प्याज डाल के अच्छे से पीस लें। अब गैस जला के उसमें कढ़ाई बिठाएं। कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें रिफाइंड तेल डालें। गैस को हाई फ्लेम में रखें। जब तेल गर्म हो जाए उसमें मैरिनेट किया हुआ गोभी, आलू और कैप्सिकम डालें। और उसे हल्की हाथों से चलाते रहें। जब गोभी, आलू और कैप्सिकम अच्छे से फ्राई हो जाए उसे प्लेट में निकाल दें। अब उसी कढ़ाई में जो तेल बचा होगा उसमें जीरा डालें। अब कटा हुआ प्याज डालें और चलाएं। जब प्याज फ्राई हो जाए उसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी डालें। अब उसमें ग्राइंड किया हुआ पेस्ट डालें और आंच धीमी करके चलाते रहें। अब उसमें 1 चम्मच करी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक डालें। अब मिक्स करके 15 मिनट के लिए ढक दें। अब 15 मिनट बाद ढक्कन खोलें और उसमें फ्राई किया हुआ गोभी, आलू और कैप्सिकम डाल दें और उसे मिक्स कर लें। अब सूखे मेथी के पत्ते को हाथ में क्रश करके डाल दें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर उसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालें और 15 मिनट के लिए धीमी आंच में ढक दें। पंद्रह मिनट बाद ढक्कन हटाएं और उसमें 1 कप पानी डालें। जब उबाल आने लगे उसमें कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल दें और मिक्स करके 5 मिनट के लिए धीमी आंच में ढक दें। लीजिए, आपकी गोभी आलू की सब्जी तैयार है।